प्राचीन काल में युवनाश नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दावता, देवता एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद, वेदक एवं धर्म शास्त्रार्थ थे। उनके 7 पुत्र थे। वह सभी बहुत ही धनी थे, लेकिन घर के रोज क्लेश से वह अलग अलग हो गए थे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर एक एक दिन खाना खाने जाते थे। धीरे धीरे वह बूढ़े होने लगे। उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वह बड़ी बहू के घर गए। उन्होंने गणेश चतुर्थी के व्रत के सामान को जुटाने के लिए कहा। उनकी बड़ी बहू ने पूजा की सामग्री और पूजा करने से मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुए। वह इस तरह 6 बहू के घर गणेश चतुर्थी के व्रत के सामान को जुटाने और व्रत करने के लिए बोला। सभी बहुओं ने मना कर दिया। वह 7वीं बहू के पास गए। वह धनहीन ब्राह्मण ने 7वीं बहू से कहा, अरे 6वीं बहू ने मना कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे यहाँ व्रत की सामग्री का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं ही बहुत वृद्ध हूँ। हे बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सारे कष्ट का अंत हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, आप दुखी ना हो, आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत करें, मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत करूंगी। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा लाई। अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नवेद और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। आधी रात को उसके ससुर को दस्त शुरू हो गए और उसके पैरों पर दस्त के छींटे पड़ गए। उनकी सेवा में ही रात बीत गई और अनजाने में ही रात का जागरण भी हो गया। उसको दुख हुआ कि शायद मेरी ही सेवा में कोई कमी थी, जिसकी वजह से मेरे ससुर की यह हालत हुई है। जब वह सुबह उठी, उसने देखा कि उसके घर में हीरे मोती चारों ओर भरे पड़े थे और सुबह उसके ससुर का भी दस्त बंद हो गया था। उसने अपने ससुर से पूछा, यह किसके हीरे जवाहरात है? कहीं ये चोरों ने लाकर रख तो नहीं दिया? कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं। बहू ने कहा, आप धन्य हैं, आपकी वजह से मेरी गरीबी दूर हो गई है। जब यह बात 6 बहुओं को पता चली कि सबसे छोटी देवरानी बहुत धनी हो गई है, तो उन्हें लगा कि उनके ससुर ने सारा पैसा छोटी देवरानी को ही दे दिया है। सभी बहुओं ने अपने ससुर से पूछा, यह कैसे हुआ? विष्णु शर्मा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर पर व्रत के लिए सामग्री मांगी थी, तुम लोगों ने मना कर दिया। छोटी बहू ने जहाँ कहा भिक्षा मांगकर मेरे लिए व्रत की सामग्री जुटाई, इसलिए गणेश भगवान प्रसन्न होकर इतनी संपत्ति का मालिक बना दिया। कुछ ही दिन बाद सभी बहुएं बहुत गरीब और दुखी रहने लगे। उनके ससुर ने भी उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत करने को कहा। जैसे कि फाल्गुन गणेश चतुर्थी आया, सभी बहुओं ने व्रत किया, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन सभी को फिर से धनवान बना दिया।